जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, अगर आप SSC GD का एग्जाम क्वालिफाई करने को लेकर परेशान हैं कि आखिर हम अपना आंसर की चेक कर चुके हैं तो पता नहीं कट ऑफ कितना जाएगा, क्वालिफाई हम एग्जाम कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे, सारी चीज़ें मैं आप सबको बताने वाला हूं। और सबसे बड़ा यहां पे मुद्दा उठता है कट ऑफ को लेकर कि आखिर कट ऑफ क्या है। इसको लेकर बहुत सारे भाई परेशान हैं कि कट ऑफ कितना रह सकता है, रिजल्ट तो आया नहीं है, सिर्फ आंसर की आया है। आखिर इसके अनुसार यहाँ पे काफ़ी सारे वेबसाइट पर भी जाकर लोग अपना रैंक चेक कर रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन का नंबर चेक कर रहे हैं ताकि उसमें कितनी सत्यता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, साथ में आपको स्टेट वाइज कट ऑफ भी बताने वाला हूँ। जैसा कि आप सभी सेंट्रल रीजन में देख सकते हैं, बिहार और उत्तर प्रदेश आता है, ताकि यूपी और बिहार बाकी जितने भी स्टेट हैं उन सभी का कट ऑफ कितना रह सकता है। तो मैं आप सबको बता दूं कि पिछली बार के मुकाबले अगर देखा जाए तो पिछली बार वैकेंसी 50,000 थी, लेकिन एज में भी छूट दिया गया था। जर्नल के बच्चे 18 से 26 साल तक भर्ती को देखे थे, वैकेंसी 50,000 थी, एज में छूट भी मिल गया था। तो इस बार क्या है कि वैकेंसी भी आपकी 26,000 है, मतलब आधी है, और आपको छूट भी एज में नहीं दिया गया है। तो इसका मुकाबले अगर देखा जाए तो बराबर ही पर रहा है, लेकिन अगर देखा जाए तो यहां पर कट ऑफ जो है थोड़ा सा अबकी बार इंक्रीज देखने को इसलिए मिल सकता है क्योंकि नए बच्चे कॉम्पिटिशन में आए, वो भी अच्छी खासी तैयारी करके गए थे। ठीक है, वैकेंसी कम है। अगर बात की जाए वैकेंसी 26,000, आप ना देखो, आप ये देखो हमारे यूपी के लिए कुल कितनी वैकेंसी है, हमारे बिहार के लिए कुल कितनी वैकेंसी है, हमारे असम के लिए कुल कितनी वैकेंसी है, मतलब आपके स्टेट के लिए कुल कितनी वैकेंसी है, ये आपको यहाँ पर फोकस करना है। क्योंकि आप फाइट यहाँ पे 26,000 वैकेंसी में नहीं कर रहे हो, आप अपने स्टेट की वैकेंसी में फाइट कर रहे हो। ठीक है, ये चीज़ें आपको बहुत ही ध्यान से देखना है। चलिए बात कर लेते हैं, अगर आप यूपी से हैं, अगर आप यूपी से हैं और आप सब का अगर यहाँ पे बन रहा है 120 नंबर प्लस, तो आप सभी यहां पर फिजिकल की तैयारी को अभी से शुरू कर दीजिए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि देखिए होता क्या है कि रिजल्ट आते समय जब रिजल्ट आएगा तो उसमें आपका नॉर्मलाइजेशन का भी नंबर ऐड रहेगा। ठीक है, क्योंकि अभी आप सबको नहीं पता है कि हमको नॉर्मलाइजेशन में कितना नंबर मिलेगा। पिछली बार की बात करें 2023 में, तो यहां पर आप सबको 18 से 22 नंबर भी नॉर्मलाइजेशन में किसी किसी बच्चे को मिला है, तो इस बार भी मिल सकता है क्योंकि इस बार भी एग्जाम कंडक्ट करवाया गया है। तो पेपर को एक एवरेज मिलाने के लिए यहां पर नॉर्मलाइजेशन में नंबर आप सबको मिल सकता है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं यहां पर कि अगर आपका 120 प्लस बन रहा है, पिछली बार भी ऐसा हुआ था, 120 प्लस पे फिजिकल के लिए बुलाया था, इसलिए मैं आपकी बार भी बोल रहा हूं कि 120 अगर प्लस बन रहा है तो आप यहां पे यूपी से हो तो आप सभी यहां पे अपने फिजिकल को शुरू कर सकते हो और अच्छे से शुरू करिए, बिल्कुल घबराना आपको है नहीं, सिलेक्शन आपका होने के चांसेस हैं। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है जिसमें SSC GD के बच्चे जुड़े हुए हैं, जिनका एग्जाम 2024 में दिए हैं वो सभी बच्चे जुड़े हुए हैं, तो आप भी जाकर जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है, उसको भी आप सभी ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, अब बिहार की बात कर लेते हो। देखिए बिहार में अगर आपका 115 नंबर बन रहा है तो भी आप सभी यहाँ पे अपनी फिजिकल तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक है, उसी प्रकार से ऊपर चलते हैं तो यहाँ पे ईस्टर्न रीजन आता है जिसमें अंडमान निकोबार, आइसलैंड, झारखंड और उड़ीसा, सिक्किम, वेस्ट बंगाल बच्चे आते हैं, तो इनको तो मैं इतना बता देना चाहता हूँ कि आपका कितना भी नंबर बन रहा हो आप सभी यहाँ पे फिजिकल तैयारी शुरू कर दीजिए। सभी लोग मैं बता रहा हूँ फिजिकल तैयारी शुरू कर दीजिए, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो उसके बाद बात करें ऊपर चलते हैं तो यहाँ पर देखिए कर्नाटक केरल रीजन जिसमें लक्षद्वीप, कर्नाटक और केरला आते हैं, तो इनको भी मैं बोलना चाहता हूँ कितना भी नंबर आपका बन रहा हो आप सभी अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अब की बार आपके ही लैंग्वेज में आपका एग्जाम लिया गया है। ठीक है, तो इसलिए कट ऑफ थोड़ा सा हाई यहाँ पे देखने को मिल सकता है, लेकिन आप सभी का अगर 50 प्लस बन रहा है तो भी आप सभी अपने फिजिकल तैयारी यहाँ पर शुरू कर दीजिए। मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो मध्य प्रदेश रीजन की बात करें तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आता है। तो आपको अगर बता दें कि अगर आपका यहाँ पे अगर मध्य प्रदेश की अगर बात किया जाए तो मध्य प्रदेश का अगर यहाँ पे 100 प्लस बन रहा है या फिर आपका 90 प्लस भी बन रहा है तो भी आप सभी अपने फिजिकल की तैयारी को शुरू कर दीजिए। वहीं छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं तो छत्तीसगढ़ में अगर आपका 80 बन रहा है या 75 बन रहा है तो भी आप सभी अपने फिजिकल की तैयारी को यहाँ पर शुरू कर दीजिए। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की अगर बात करें मतलब NER की, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड के बच्चे आते हैं, तो इनका तो भैया अगर यहाँ पे 60 प्लस बन रहा है तो ये भी अपने फिजिकल की तैयारी को शुरू कर दें। नॉर्मलाइजेशन में इतना बेनिफिट मिल जाना चाहिए जिससे आपका सिलेक्शन भी यहाँ पे आसानी से हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे नॉर्थन रीजन, ध्यान दीजिएगा, अगर आप नॉर्थन रीजन से आते हैं जिसमें 3 स्टेट है, दिल्ली है, राजस्थान है और उत्तराखंड है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दें कि अगर आप सभी तैयारी कर रहे हैं झारखंड पुलिस कांस्टेबल की तो आप सभी के लिए बेस्ट बुक मार्केट में आ चुका है जो कि चक्षु पब्लिकेशन का है। यह बुक आप सबकी तैयारी को मजबूत कर सकता है क्योंकि आप सभी को इस बुक में मिलने वाला है 2450 बहुविकल्पीय प्रश्न,
और यहाँ पर 15% आप सभी को इस बुक में दिया जाएगा। 100% आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही इस बुक को यहाँ पर तैयार किया गया है। सारे सिलेबस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे और आपके नंबर वाइज यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। और इस बुक में जो कुछ समझाया गया है बहुत ही विस्तार से और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर सारी चीज़ें बताई गई हैं। आपको बता दें कि यह बुक आप सबके तैयारी के लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट साबित रहने वाला है। दोस्तों चक्षु पब्लिकेशन का आप सभी को यहाँ पे कॉम्बो पैक मिल जाएगा जिसमें आप सभी को बुक मिलता है और साथ ही यहाँ पे झारखंड सामान्य ज्ञान की पुस्तकें मिल जाएंगी। आप सभी इसे लेकर पढ़ सकते हैं, अपनी तैयारी को यहाँ पर मजबूत कर सकते हैं। अगर आप सभी इसे ऑनलाइन माध्यम से लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, या फिर आप सभी इसे अपने मार्केट से भी ऑफलाइन माध्यम से परचेस कर सकते हैं। देखिए कॉम्पिटिशन जो कट ऑफ का रहता है ना, वो राजस्थान और उत्तर प्रदेश का ही अच्छा खासा देखने को मिलता है, ठीक है। अगर राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में अगर आपका 120 प्लस बन रहा है तो आप भी अपने फिजिकल की तैयारी को शुरू करिए, ठीक है। बिल्कुल आपको पीछे नहीं हटना है क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में आपको बेनिफिट मिलेगा। उसी प्रकार से बात करें यहाँ पे दिल्ली की, अगर आप दिल्ली के बच्चे हैं तो आपको यहाँ पे 110 पे आप सबको फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। उत्तराखंड वाले को तो यहाँ पे बात करें तो 90 या फिर 95 पर भी यहाँ पे अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए क्योंकि उनको भी नॉर्मलाइजेशन में बेनिफिट मिल जाएगा और इन सभी को यहाँ पे फिजिकल के लिए भी बुलाया जा सकता है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर आप सभी नॉर्थ वेस्टर्न रीजन से आते हैं, मतलब चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख और पंजाब से आते हैं, तो आपको बता दें अगर आप चंडीगढ़ से हैं या फिर हरियाणा से हैं या फिर पंजाब से हैं तो आप सबको यहाँ पे एक काम करना है। अगर आप इन तीन स्टेट से हैं तो आप सभी का नंबर अगर यहाँ पे 90 से लेकर 100 के बीच में बन रहा है तो आप सभी अपने फिजिकल तैयारी शुरू कर दीजिए। बाकी अगर आप सभी हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख से बिलोंग करते हैं तो आप सब का अगर यहाँ पे 80 प्लस बन रहा है तो भी आप सभी अपनी फिजिकल तैयारी यहाँ पे शुरू कर दीजिए, ठीक है। उसी साथ में अगर बात करें यहाँ पे नॉर्थन रीजन, तो अगर आप नॉर्थन रीजन से आते हैं जिसमें इतने स्टेट हैं आंध्र प्रदेश, पुदुचेरी, तमिलनाडु और तेलंगाना, तो इसमें अगर बात किया जाए तो अगर आपका 70 प्लस बन रहा है तो आप सभी अपनी फिजिकल तैयारी शुरू कर दीजिए, आपको नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट अवश्य मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है मैं देख लेता हूँ। नेक्स्ट है आपका वेस्टर्न रीजन जिसमें दादर एवं नगर हवेली एंड अंडमान एंड दीव समूह, दीव गोवा, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे गोवा, गुजरात एंड महाराष्ट्र, अगर आप इन स्टेट से आते हैं और आपका अगर यहाँ पे बन रहा है 90 प्लस या फिर 80 प्लस तो आप सभी यहाँ पे अपने फिजिकल तैयारी शुरू करिए, ठीक। ये सारी चीज़ें थी जो कि मैंने आपको एक शॉर्ट तरीके से बता दिया है। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हो, इन स्टेप को फॉलो करते हो तो अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए क्योंकि समय आपके पास कम है। रिजल्ट भी आप सभी को इसी मंथ देखने की उम्मीद है कि मिल जाए, लेकिन अगर आप सबका रिजल्ट इसमें देखने को मिल जाता है तो नेक्स्ट मंथ आप सभी का फिजिकल भी यहाँ पे शुरू करवा लिया जाएगा। आप सभी फिजिकल तैयारी नहीं किए रहेंगे तो फेल हो जाएंगे, ठीक है। जितना मेहनत आप सभी एग्जाम में किए हो उतना ही मेहनत आप सबको फिजिकल में भी करना पड़ेगा, तभी आप सभी यहाँ पर फिजिकल क्वालिफाई कर सकते हो और SSC GD में जाने का सपना आप सभी का पूरा हो सकता है। जो भी इंपॉर्टेंट था मैंने आपको बताया इस वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, जाकर आप सभी ज्वाइन हो जाइए। बाकी जो कुछ जानकारी होगा मैं आपको आगे आने वाले समय में अपडेट करता रहूँगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते किसी नई भर्ती और नई जानकारी से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे।